अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारुफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की कई सीरीज आपने मुलाहिजा की जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म, इसके अलावा इकबाल पुर इसरार और निमतुल्ला शाह वली की प्रेडिक्शंस भी हमने डिस्कस की। आज हम ब्रास टैक्स की एक नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सीरीज का उनवान है खिलाफत राशदा। खिलाफत राशदा की ये जो पूरी सीरीज है, इंतहाई हैरत अंगेज ये पूरी सीरीज होगी एंड आप इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आप ले पाएंगे क्योंकि इस पूरी सीरीज को, इस पूरे टॉपिक को इस वक्त डिस्कस करने के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जो हम जानेंगे जैद हामिद से। जी सर। देखिए मारुफ, जैसे आपने कहा कि आज अल्लाह के फजल से हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, खिलाफत राशदा। ये वो पीरियड है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद चार खुलफाए राशिदीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली रिज़वानुल्लाह अजमईन, उन्होंने दौरे हुकूमत में जो तहजीब, जो तमद्दुन, जो सिविलाइजेशन, जो निज़ाम कायम किया वो इतना फ्यूचरिस्टिक है, इतना हैरत अंगेज है कि आने वाले क़यामत तक आने वाले दौर में इंसान इससे बेहतर निज़ाम कभी प्रेजेंट नहीं कर सकता। जो इंसानियत का मकाम, जो इंसानियत को इज्जत दी गई, जो माशरा जो उसके रूहानी डायमेंशन थे, जो उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री प्रस्पेक्टिव थे, वो एक इतना हैरत अंगेज माशरा था कि जिसके ऊपर बुनियाद बनाकर उम्मत मुस्लिमा ने आने वाली सदियों में अपनी वो तहजीब और सिविलाइजेशन कायम की कि जो आज तक जिससे दुनिया की आंखें चमक गई हैं, दमक गई हैं, जिन्होंने इंसानों ने उससे बेहतर सिविलाइजेशन, तहजीब इंसानों की कभी नहीं देखी। एक मॉडल था और एक ऐसा मॉडल जो अपने वक्त के लिहाज से सदियों आगे था, इतना फ्यूचरिस्टिक था और आज के दौर में भी, 21वीं सदी में भी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इंसान तस्वुर नहीं कर सकते थे उस पहले, उस निजाम से पहले, उससे पहले रोमन एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर थे, चीन का एक अपना निजाम चल रहा था और जिस तरह जुल्म और सितम पूरी दुनिया में जारी था, जिस तरह उस वक्त की सुपर पावर्स ने इंसानों को इंसानों की गुलामी में दबाया हुआ था, जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन थी ह्यूमैनिटी की, जिस तरह आज की जबान में कहें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस थी, जिस तरह जुल्म और सितम होता था तहजीबों पर, कौमों पर, इंसानियत पर, अल्लाह की मखलूक पर, फसाद फैल गया था समुंदर में और जमीन पर उन लोगों के हाथों से कि जो उस वक्त दुनिया में हुकूमत करते थे, उनके मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकलाब बरपा करते हैं, जो पैगाम आप लेकर आते हैं, हुजूर का 23 साल दौरे हुकूमत जिसमें 10 साल मदनी पीरियड के, मदनी पीरियड जहां पे पहली मर्तबा एक रियासत वजूद में लाई जाती है, जो पहली इस्लामी आइडियोलॉजिकल स्टेट मदीने की रियासत जो कायम में आती है, ने जो उस रियासत के पैरामीटर्स बनाए, जो मॉरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल सेट किए, जो इंसानियत की रवादारी और मुवाखात कायम की, ब्रदरहुड कायम किया बिटवीन दैट सिविलाइजेशन, वो इंसानों के तसव्वुरात से भी बाहर है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो सारे सिस्टम्स उस जमाने में, उस माशरे में जहां बेटियों को चंद साल पहले तक जिंदा दफन किया जाता था और पानी पिलाने पर 40-40 साल जंगे हुआ करती थी, उस माशरे के लोगों को उठाकर इंसानियत की मेराज पर कैसे पहुंचा दिया और फिर जो मॉडल बने, जो जो वहां पे एक सिस्टम और गवर्नेंस का एक निजाम कायम किया गया है, उसका मोमेंटम ये था कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद जब खुलफाए राशिदीन के पास ये दौर आया जिसको हम खिलाफत राशिदा कहते हैं, उस दौर में इस्लामी रियासत मदीने से निकलकर एक तरफ पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराती है, एक तरफ चीन तक फैलती है, एक तरफ पूरा नॉर्थ अफ्रीका कैप्चर करती है, फिर नीचे यमन तक, उसकी पूरे अरेबियन पेनिनसुला में यमन तक उसकी हुकूमत कायम होती है। उस दौर में उससे बड़ी हुकूमत इंसानियत ने देखी नहीं थी कि जो मुसलमानों ने 30 साल के अरसे में कायम कर दी और उसके बाद बनू मैया और बनू अब्बास की जो, और अंदलुसिया की जो सिविलाइजेशन बनी और फिर आने वाले वक्तों में उस्मानी खिलाफत जो बनी, उनकी बुनियादें उसी खिलाफत राशदा के निजाम पर थीं कि जो उस वक्त मदीने की उस रियासत में, मदीने की स्टेट में उन मुसलिमों को फैलाया और दुनिया में इस मैसेज को लेके गए। आज के दौर के लिहाज से यह बात रेलिवेंट क्यों है, क्यों हम उस निजाम को स्टडी करें? देखिए, अब हम एक दुनिया में, कायनात में एक डिसाइसिव फेज में दाखिल हो चुके हैं। 21वीं सदी का जो ये आगाज है, इसमें कायनात में एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है, यानी पूरे निजाम तब्दील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी और फिजिकल प्लेन पे भी। कुफर ने जो अपने निजाम कायम किए थे 20वीं सदी के आगाज में, जो उन्होंने पहली मरतबा फेडरल रिजर्व बैंक के क्याम के बाद एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल कायम किया, साथ उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कायम की, उसके मुकाबले पे एक कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल और डिक्टेटरशिप का एक निजाम दिया और पूरी दुनिया को दो पोल्स में तकसीम किया,
جس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی خلافت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر دیے. ایک مسلمان حکومت چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن ایک مسلمان ریاست تھی جس کا خلیفہ تھا, جس کا مرکز تھا, اور یہ وہی خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا جو خلافت راشدہ سے چلا آ رہا تھا. خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا, یہ ہمارے دین کا مین سٹریم ایک کانسیپٹ ہے. یہ کوئی اب نارمل کانسیپٹ نہیں ہے, یہ وہ تصور نہیں ہے جو ریڈیکل فنیٹک مسلمز کا کانسیپٹ ہو, دہشت گردوں کا تصور ہو. 1400 سال میں کوئی وقت مسلمانوں کے دور میں ایسا نہیں آیا کہ جب خلافت کسی نہ کسی شکل میں, چاہے وہ پولیٹیکل آرڈر کی شکل میں ہو, چاہے وہ اس کا ایک روحانی طور پر وہ خلافت کا تصور مسلمان اپنے آپ کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوں, کوئی دور ایسا نہ آیا کہ خلافت مسلمانوں سے ختم کی گئی ہو. بغداد میں جب خلیفہ کو چنگیز خان اور تاتاریوں نے آ کے خلافت ختم کی تھی تو وہ بھی ٹیمپرری فیز تھا, اس کے بعد خلافت دوبارہ اسٹیبلش کر لی گئی تھی فوراً. لیکن یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کو توڑا گیا اور پوری دنیا کو کفر کے سسٹمز میں تقسیم کر دیا گیا, یہ نظام تقریباً 200 سال پہلے سے کفر کے نظام نے, بینکنگ سسٹم جب شروع ہوتا ہے, ورلڈ اکانومی کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے, پیپر کرنسی کا نظام شروع کیا جاتا ہے, ساتھ ساتھ 19ویں صدی کے آخر میں میڈیا شروع ہوتا ہے, پریس اینڈ پبلیکیشن شروع ہوتی ہیں, 20ویں صدی کے آخر میں الیکٹرانک میڈیا بھی آ جاتا ہے. یہ پورا نظام جب کفر میں انہوں نے مسلط کیا, پہلی جنگ عظیم کروائی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے, دوسری جنگ عظیم کروائی, ایسے ایسے کانسیپٹ دیے کہ جن کا سوائے دیوانگی اور جنون اور وحشت سے کوئی کے علاوہ کوئی ان کا اور واسطہ نہیں تھا. ڈارونزم, لبرلزم, سیکولرزم, فریڈم آف سپیچ, وومن لبریشن, ڈیموکریسی, کیپیٹلزم, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, انٹائرلی نیو کانسیپٹ, پورے انسانیت کو آوارہ کر کے, تباہ و برباد کر کے, غلام بنا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو. اور انسانیت جتنی محروم اور ذلیل اور رسوا 20ویں صدی میں ہوئی ہے, اس سے پہلے کی ہزاروں سال جتنی اسے 20ویں صدی میں جتنا ایک 20ویں صدی میں, یعنی جتنے انسان پچھلے 500 سال میں 800 سال میں نہیں مارے گئے, اتنے انسان انہوں نے 20ویں صدی کے پہلے 50 سال میں مارے. یعنی امیجن کیجئے کہ یہ کتنا ظالمانہ, اتنا ناپاک اور پلیت نظام جس کفر نے قائم کر کے انسانیت کے سر پہ مسلط کیا, اور روشنیاں اس کی گرد ایسی قائم کی کہ لوگوں کی آنکھیں چکو چوند ہو گئیں, کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک یہ کوئی 20 کروڑ انسان ہلاک کر چکے ہیں دنیا میں, کہیں پہ جنگیں برپا کر کے, کہیں فوڈ کنٹرول کر کے, کہیں قحط برپا کر کے, کہیں آپس میں جینوسائڈ کروا کے, جس طرح روانڈا میں انہوں نے ہوٹوز اینڈ ٹوٹسیز کی جنگ کروائی, 2 مہینے میں 6 لاکھ 8 لاکھ آدمی مروا دیے. پوری دنیا میں جو قتل و غارت ان کا آج بھی جاری, کہیں بیماریاں پھیلا کے, ایڈز جاری کر کے, دوائیاں روک کے, فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے, یہ نظام اس قدر ناپاک اور شیطانی اور دجال کا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم, یعنی قائد اعظم جن کو آج پوری پاکستان میں سب لوگ اپنا, ایون جو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, یہ مانتے ہیں کہ سنسیر آدمی ہے, پاکستان سے محبت اور پیار کرنے والے, اور لبرل ویسٹرن لوگ بھی قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں قائد اعظم کا اسلام چاہیے. قائد اعظم کے اسلام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 1948 میں ان کی وہ اسپیچ دیکھ لیجیے جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کی. جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہی الفاظ دہرائے جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, کم و بیش اسی مفہوم کے ساتھ, کہ ماڈرن اکنامک سسٹم نے, جدید دنیا نے انسانیت کو تباہی کے دائرے میں دیا ہے. اب کوئی معجزہ ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے؟ اب اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس نہیں رہ گیا کہ اس نظام نے جنگیں برپا کروائی ہیں, انسانوں کو قتل و غارت میں تباہ برباد کیا ہے, اس کو غلام بنا لیا ہے. اب صرف انسان کے پاس فلاح کی راست یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام عدل کی طرف لوٹے. اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے توقع کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک اکنامک ماڈل یہ قائم کریں, تاکہ یہ ماڈل آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنے اور پاکستان کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 میں, اس کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر, یہ ان کی آخری تقریر تھی, اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال بھی ہو گیا. جو کفر کا نظام یہ جو قائم ہے, اس کے 3 فنڈامنٹل پلرز اور پیرامیٹرز ہیں. دیکھیے, ایک, یہ کفر کا نظام اپنا سیاسی نظام بناتا ہے, اپنا پولیٹیکل آرڈر, جہاں ہم سے کہتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے. چاہے وہ آپ ڈکٹیٹرشپ لیں یا ڈیموکریسی لیں, دونوں کفر کے نظام, دونوں کفر کے نظام ہیں. جس طرح ان کو کیپٹلزم اور کمیونزم چاہیے ہوتا ہے, دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے 2 سیاسی نظام انہوں نے دیے, دونوں کو یہ خود کنٹرول کرتے ہیں, دونوں کے ان کے زائنسٹ بینکرز کنٹرول کرتے ہیں, دونوں کے پیچھے وہی کنٹرول کرنے والی گلوبل فورسز ہیں, چاہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کے تھرو آپریٹ کریں, چاہے وہ ورلڈ بینکرز کے تھرو آپریٹ کریں, چاہے گلوبل فائنانشیل کنٹرول کے ذریعے یا فوڈ سپلائی کے ذریعے,
उनके पीछे लोग वही निकलते हैं जाके जो जायनस, वो लोग जो इस दुनिया पर अब इसराइल की रियासत और न्यूकॉन कंजर्वेटिव इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जायनस्ट, इन सारी तफसील को हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो लोग जो दुनिया पे एक बहुत बड़ी ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो जायनस्ट बेस्ड हो, जिसको हम शरीयत की इस्तलाह में हदीस शरीफ में दज्जाल का निजाम कहते हैं। और एक तरफ ये दो सियासी मॉडल हमें देते हैं और कहते हैं जी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या डेमोक्रेसी ले लो या डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप बुरी है डेमोक्रेसी ले लो, सही हमको ये समझाया जाता है। दूसरा हमसे कहा जाता है कि जब अगर इकोनॉमिक मॉडल्स की आप बात करते हैं, दो इकोनॉमिक मॉडल है, या कैपिटलिज्म है या कम्युनिज्म है, या वो ले लीजिए या ये ले लीजिए, और साथ साथ हमें ये तासुर दिया जाता है कि जैसे इसके अलावा और कोई ऑप्शन बाकी ही नहीं है इंसानियत के पास, हमें ये तासुर देते हैं कि जो कुछ आपको अब लेना है, जो कुछ आपको करना है, इसी कुफर के निजाम में से रास्ता तलाश कीजिए, आपका इकोनॉमिक मॉडल, आपका पॉलिटिकल मॉडल, और तीसरा निजाम जो ये देते हैं वो इनका जुडिशियल सिस्टम है, इनका अदालती निजाम। जुडिशियल सिस्टम भी हमें यही कहा जाता है कि जो हम बताएंगे सेशंस कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून चलेगा, वही वकील होगा जो इसको चलाएगा, और फिर फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट ये कहते हैं मीडिया को। बर्नार्ड लुइस एक बहुत बड़ा ओरिएंटलिस्ट है, मगरिब का आज का बहुत बड़ा स्कॉलर समझा जाता है, जो मशरक के निजाम को, इस्लामी तहजीब को समझता है और फिर कुफर को ये मशवरे देता है कि इस्लामी तहजीब को कमजोर किस तरह किया जाए, लेकिन उसने बड़ी अच्छी किताबें बड़ी तफसील से रिसर्च करके इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब के कंपैरिजन किए हैं और किताबें लिखी हैं। बर्नार्ड लुइस अपनी किताब में एक्नॉलेज करता है कि कुफर के निजाम की पूरी बुनियाद दो प्रोफेशंस के ऊपर है, दो प्रोफेशंस हैं जिस पर कुफर के बुनियाद निजाम की इमारत खड़ी हुई है। और जरा होश से सुनिएगा और हैरत से सुनिएगा कि ये दो प्रोफेशंस कौन से हैं जो कुफर के निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं। एक उसने कहा जर्नलिस्ट है और दूसरा लॉयर है। जर्नलिस्ट के जरिए, मीडिया के जरिए इस सिस्टम की, जो कुफर का निजाम इन्होंने बनाया, इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है इंसानों को गुलाम बनाने की, इसकी अबिलिटी टू स्प्रेड डिस इंफॉर्मेशन, झूठ बोलने की सलाहियत। ये इस कसरत से झूठ बोलते हैं और इतना मैसिव झूठ बोलते हैं, सैटेलाइट्स हैं, अखबार इनके पास है, मीडिया इनके पास है, टेलीविजन चैनल्स इनके पास है, केबल नेटवर्क इनके पास है, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करना, तो इस काम के लिए इनको जर्नलिस्ट चाहिए होता है। इसीलिए आजादी है सहाफत, आजादी है अफकार, और सहाफी को इस तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे इससे ज्यादा मुकद्दस पेशा कायनात में कोई नहीं है, कि सहाफी के परों पे पानी नहीं पड़ सकता, सहाफी को आप चेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो जो मर्जी झूठ बोले, जो मर्जी फ्रॉड करे, बेइज्जत करे, कौमें तबाह करे, हुकूमतों को तबाह करे, हुकूमतों को बदनाम करे। एक हमारे दोस्त एक वेस्टर्न एजेंसी एपी में एसोसिएटेड प्रेस में काम करते थे, उन्होंने हमें खुद अंदर के राज बताए, कहने लगे कि हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, कहते हमें गाइडलाइंस जो दी जाती थी वो ये दी जाती थी कि आपने हमेशा इसराइल को मासूम बना के प्रेजेंट करना है, फलस्तीनी को दहशतगर्द बनाना है, ईरानियों को फंडोज और फंडामेंटलिस्ट प्रेजेंट करना है, पाकिस्तानियों को कहना है कि सारे तालिबान हैं और एटमी हथियार इनके जो है दुश्मनों के हाथ में जाने वाले हैं, ये दहशतगर्द कौम है, इनको तबाह करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फ्रेमवर्क, खबर जो एपी से, एएफपी से, बीबीसी से निकलती है, उसके बेसिक पैरामीटर्स यही डिफाइंड है। कोई अनबायस जर्नलिज्म नहीं है दुनिया में, यह तस्वुर कि फ्री मीडिया है, आजाद मीडिया है, अनबायस मीडिया है, इससे बड़ा झूठ बताते खुद कोई नहीं है, क्योंकि यह सारा मीडिया जो फोर्थ पिलर है इनकी स्टेट का, जो फोर्थ पिलर है इनके कुफर के सिस्टम का, इसका मकसद पूरी कायनात में डिस इंफॉर्मेशन और झूठ को फैलाना है, और इसके नतीजे में यह माइंड कंट्रोल करते हैं, जहनों को काबू करते हैं लोगों के। और अब जो इनका गेम प्लान बन रहा है, क्योंकि इनका जुडिशियल सिस्टम, जो अदालती निजाम पूरी दुनिया में, कभी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू आते हैं, कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू हमारे पास, क्योंकि सारे ये निजाम जो इनका इकोनॉमिक मॉडल है, चाहे आईएमएफ की शरायत है, वर्ल्ड बैंक की शरायत है, जो मुल्कों से मुआहदे करते हैं, ये सारे मुआहदे इनके वकील लिखते हैं, लॉयर्स, इंटरनेशनल लॉयर्स, राइट। इसलिए इस पूरे सिस्टम को, चाहे इनका पॉलिटिकल मॉडल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाते हैं, जो डेमोक्रेसी के लॉज बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान या मुल्कों में कितनी सियासी जमातें होंगी, उन इलेक्शन किस तरह कराए जाएंगे, आज भी अमेरिकन पाकिस्तान में पहुंच के हमें लेक्चर देते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और कोर्सेज करवाए जाते हैं, और सियासी जमात के लोग हमारे इन कोर्सेज को अटेंड करके बड़े अदब से सुन के चूम के आंखों पर लगाते हैं कि अमरीका ने हमें यह बताया कि डेमोक्रेसी इस तरह मुल्क में नाफिज की जाएगी। बैंकिंग सिस्टम की शरायत क्या होंगी, लॉस क्या होंगी, अगेन लॉयर और जर्नलिस्ट, ये दो प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये कुफर का निजाम खड़ा हुआ है। अगर आप देखें कि हर निजाम जो कुफर दुनिया पे मुसल्लत करता है, वेरी ट्रू दैट साहब, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बर्नार्ड लुइस कह रहा है, खुद उनका अपना राजदार आदमी, एंड वी कैन रिलेट टू द करंट एनवायरनमेंट वेरी क्लियरली। सो अब हालत ये हो गई है
कि 20वीं सदी के आखिर में इनका पूरा निजाम अब कोलैप्स करने लगा है। मैनमेड सिस्टम्स है ना, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, कोलैप्स करके गिर गया, तबाह बर्बाद हो गया, कैपिटलिज्म अब कोलैप्स कर रहा है। अब हमें नजर तो वो जकड़े हुए अब हमें नजर आ रहा है कि कैपिटलिज्म भी कोलैप्स कर रहा है, डॉलर कोलैप्स कर रहा है। अमेरिका में खुद हालत यह हो गई है कि 10 लाख अफराद पिछले 2 माह में नौकरियां चली गई उनकी, 60-70 हजार डॉलर साल में कमाने वाला अमेरिकी टेंटों में रह रहा है, क्योंकि नौकरी गई है तो ना वो घर की किस्त अदा कर सकता है, ना गाड़ी की किस्त दे सकता है, गाड़ी भी गई घर भी गया टेंट में रह रहा है बेचारा। यानी वो खुद बताते खुद उनकी अपनी कौम इतनी मजलूम है, इतनी तबाह बर्बाद की गई है इस निजाम में। अब ये डॉलर को अबैंडन करने की बात कर रहे हैं, नई करेंसी शुरू करेंगे, जो तबाहियां आगे ये बर्पा करने जा रहे हैं। इनका इरादा यह है कि 6 अरब इंसान दुनिया में मौजूद है तो इसकी आबादी कम करके 5 अरब घटाई जाए, 1 अरब आबादी की जाए, यानी 4-5 अरब इंसानों को अब ये हलाक करने जा रहे हैं। कभी भूख से फूड कंट्रोल करेंगे, कहीं बीमारियां नहीं, कहीं बर्ड फ्लू देंगे, कहीं स्वाइन फ्लू, एड्स जारी कर देंगे, कहीं पे जंगे करवाएंगे, आबादी कम करने के। ये जालिम वो लोग हैं जिन्हें कुरान इसीलिए कहता है ये तखब्बुद शैतान मिन अल मस, शैतान ने इनको छू के बावला किया हुआ। ये पागल लोग हैं, दीवाने लोग हैं, एब्सोल्यूट जुनूनी। ये करोड़ों अरबों इंसान हलाक करवाते हैं अपने कुफर के निजाम को स्टेबल। क्योंकि ज़हनियत फिरौन की है ना, फिरौन को जब पता लगा था कि एक बच्चा पैदा होगा तुम्हारे निजाम के खिलाफ, उसने एक बच्चे की खातिर लाखों कत्ल करा दिए। इनको भी पता है कि किसी एक मुल्क में इस्लामिक मॉडल कायम हो गया तो इनका पूरा निजाम धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। इसीलिए आप जॉर्ज बुश को सुनते हैं 2 बातें कहता हुआ। एक तरफ वो ये बात करता है कि हम कहीं मुसलमान नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहीं मुसलमान शरीयत की बात करेंगे तो हम वहां आग लगा देंगे, और अगर मुसलमानों ने खिलाफत की बात की तो ये तो हम कयामत ही ढा देंगे उस जगह पे। और जहां तक खिलाफत का ताल्लुक है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से ये बात साबित है, बिल्कुल मालूम है हमें ये बात, और हमारी जिंदगियों का मकसद भी यही है कि ड्यूटी जो दुनिया में मुसलमान को दी गई है कि अगर खिलाफत कायम है तो उसको एस्टैब्लिश, उसको जारी रखें, उसकी हिफाजत करें, अगर कायम नहीं है तो उसको कायम करें। बिल्कुल। और खिलाफत अला मिनहाज नबुवा, यानी ऐसी खिलाफत जिसकी बुनियाद नबुवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर हो, उस पर उस खिलाफत की बुनियाद रखना दोबारा, इसकी बिशारत हमें हुजूर की अहादीस में वाजे मिलती है कि एक वक्त आएगा कि खिलाफत खत्म हो जाएगी, फिर जो एस्टैब्लिश होगी वो अला मिनहाज नबुवा होगी। और ये खुशखबरी हमारे पास है। अब हम दौर को जब देखते हैं, जमाने को जब हम देखते हैं, तो हम ये रियलाइज करते हैं कि इंसानियत पर एहसान होगा ये कि अगर इंसानियत भी उस खिलाफत राशिदा या खिलाफत अला मिनहाज नबुवा के तहत ले आई जाए कि वो निजाम कि जिससे बेहतर निजाम इंसानियत ने कायनात में ना कभी देखा ना देखेगा, हम अगर उसका 10% भी अचीव कर सके, 20% भी अचीव कर सके, यकीन कीजिए इंसानियत की मेराज हो जाएगी। आज के दौर में लोग इतराज क्या करते हैं, इतराज ये करते हैं कि रिडिकुलस आर्गुमेंट हमारे साथ शुरू कर दी गई है। एक झूठ, जो हमारे दानिश्वर है, हमारा मीडिया है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सियासतदान हैं, उनकी जहन, उनकी फिक्र, उनकी सोच या तो इतनी घटिया है या वो प्लांटेड लोग हैं कि जो असल फिक्र और सोच की तरफ जाने ही नहीं देते। एक तरफ हमें कहा जाता है कि जनाब रास्ता है और डिक्टेटरशिप से ज्यादा नापाक निजाम कोई नहीं है, और सारे सियासतदान फौजियों को गालियां देते हैं जो फौजी हुक्मरान आते हैं, फौजी हुक्मरान कहते हैं हम आते इसलिए कि सियासतदान को लैप्स कर जाते हैं, मुल्क की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं कर पाते, और कौम एक साइकिल में घूमती रहती है। दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि या तो लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी, लिबरल वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लो, यानी एक्सट्रीम लिबरलिज्म जिसमें दीन, इज्जत, आबरू, ईमान सब छोड़ दो, फौज हरकतें करो, वही वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेजी बोलो, या तो वो निजाम अडॉप्ट कर लो। उसके रिएक्शन में यहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे बैतुल्ला और फजलुल्लाह जैसी शरीयत नाफिज फसाद बर्पा करवा के उनके जो शरीयत के नाम पर दहशतगर्दी है उसको प्रेजेंट किया जाता है कि ये इस्लाम का मॉडल है, एक्सट्रीमिज्म को फरोग देते हैं ताकि ये इस्लाम का मॉडल है जो पाकिस्तान में आने वाला है या पाकिस्तान पर कब्जा करने जा रहा है। यानी हमें कहा जाता है कि या बुश को कबूल करो या बैतुल्ला को कबूल करो, जैसे बीच का कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। और अब वक्त आ गया है इस विशेष साइकिल से, इस नापाक साइकिल से निकालने के लिए। जब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि ना तो हमें ये मॉडर्न डेमोक्रेसी चाहिए, ना हमें मॉडर्न डिक्टेटरशिप चाहिए, ना हमें ये कैपिटलिस्ट सिस्टम चाहिए, ना ये कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल चाहिए, और ना हमें ये जुडिशियल सिस्टम चाहिए जो कुफर के निजाम ने आज पूरी दुनिया में मुसल्लत किया है, जो पाकिस्तान में भी यही निजाम मुसल्लत है, इसकी हम आपको मिसालें देते हैं। देखिए, जुडिशियल सिस्टम की पहले बात करें, पाकिस्तान में सबसे बड़े इस वक्त 2 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज मुल्क में यह है कि मुल्क में करप्शन इस कदर शदीद है कि पूरे मुल्क को हड़प करके खा, बिल्कुल नो डाउट। दूसरा दहशतगर्दी। अगर कोई अदालती निजाम मुल्क में बड़े बड़े अदालती और लीगल चैलेंजेस का मुकाबला ना कर सके तो उस अदालती निजाम का हमने क्या करना है। पिछले 20 साल की मिसाल ले लीजिए, एक करप्ट आदमी को फांसी या कोड़ों या जुर्माने की कैद की सजा नहीं हुई है करप्शन पे, बिल्कुल। और 10 साल हो गए मुल्क में दहशतगर्दी खौफनाक
भूत की तरह सर उठा के खड़ी हुई है, हजारों मुसलमान शहीद हो चुके हैं, मुल्क लाउजुबिल्ला खतरे में पड़ गया है। इस अदालती निजाम ने एक दहशतगर्द को पिछले 10 साल में फांसी की सजा नहीं दी। इससे बड़ी इबरतनाक बात और क्या होगी कि मुल्क दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, अदालती निजाम कोलैप्स कर चुका है। कोई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुझे बता दीजिए किसी एक दहशतगर्द को फांसी की सजा दी गई हो इस बात में कि इसने खुद को हमला करने की कोशिश की। किसी भी गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ, चाहे कोई पिछले 10 साल तो लाजमी लीजिए ना कि 9/11 के बाद से जो हुआ। जब ये अदालती निजाम दहशतगर्दी में कोलैप्स कर चुका है और करप्शन का इलाज नहीं कर सकता, फिर हमने इसका क्या करना है? ये खुद ही वाजे हो गया कि ये वकील, ये जज, ये सेशन कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट डिलीवर ही नहीं कर सकते हैं। अब कॉस्मेटिक्स करते रहे, जो मर्जी कार्रवाइयां डालें। मकान के किराए का मसला भी तो 20-20 साल चल रहा है यहां पर, तो कौन सा अदल और कौन सा इंसाफ? जब मुल्क में इंसाफ ना हो, अदल ना हो, अदालतें इंसाफ ना कर रही हो, दहशतगर्दी, जुल्म, जमीन में फसाद बरपा हो और अदालती निजाम डिलीवर ना करे, और फिर कहा जाए कि यही निजाम तुम सारी उम्र अपने सरों पर और गर्दनों पर मुसल्लत रखो, तो फिर हम क्या करें? Then we have to go for alternate options. No, this system is not delivering. हम खिलाफत राशिदा की तरफ देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो कौन सा एक judicial system था कि जहां पे खलीफा वक्त को अपनी जर्रा लेने के लिए अदालत से रुजू करना पड़ता है और अदालत खलीफा वक्त के खिलाफ फैसला देती है यहूदी को, यहूदी के हक में। यानी एक जीव जो कि एक स्लेव की हैसियत, गुलाम की हैसियत शायद रख सकता है उस माशरे में, और उससे आप जब चाहें अपने फौजी भेज के अपनी जर्रा वापस निकलवा लें, लेकिन खलीफा वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला जज से रुजू करते हैं। हैरत अंगेज डिसीजन, यहूदी इस पे मुसलमान हो जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला इतने जलील कदर और पुरजलाल खलीफा, एक बुढ़िया उनसे पूछ लेती है कि हम सबको एक एक चादर मिली है, आपको 2 चादरें कैसी मिली? जब तक आप जवाब नहीं देंगे हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जब खिलाफत के मसरत पे तशरीफ रखते हैं तो पहले लोगों से कहते हैं कि जब तक मैं अल्लाह रसूल के हुक्म पे तुम्हें लेके चलूं मेरी इताअत करना, जब मैं इसके हुक्म पे ना चलूं तो फिर तुम मेरी इताअत ना करना। ऐसा रोल मॉडल कोई सेट कर सकता है? यानी वो पत्थर का जमाना था या वो फ्यूचरिस्टिक है जिस तरह हम ये कहते हैं? तो जुडिशियल सिस्टम की ये बात हो, जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, ये इकोनॉमिक मॉडल है ही अल्लाह उसके रसूल से जंग, सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम पर जो बुनियाद है, जब पूरा मुल्क उसका इकोनॉमिक मॉडल ही अल्लाह रसूल से हालत जंग में हो और हम पूरी दुनिया में कोलैप्स कर रहा है ये निजाम, और हमसे कहा जा रहा है इसी निजाम को संभालने की कोशिश करो, इसी निजाम को चलाओ, यही तुम्हारी आखिरत, यही तुम्हारी दुनिया, और कोई हल तुम्हारे पास नहीं है, तो इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं हो सकती। और जहां हमारे पॉलिटिकल मॉडल का ताल्लुक है, इससे बड़ा फसाद कोई नहीं हो सकता कि जो 250 सियासी जमातें हैं लिटरली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज, कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह लड़ते हैं ये आपस में। ना मुल्क का मफाद है, ना इनको दीन का मफाद है, ना मिल्लत का मफाद है, ना उम्मत का मफाद है, ना दीन की इज्जत और आबरू का कोई लिहाज है। बेशरम हुक्मरान, अगर कम से कम इतना ही कैरेक्टर इनमें होता कि 1948 में कायदे आजम ने जो रोल मॉडल सेट कर दिए थे हमारे लिए एक सियासी लीडर के तौर पर, कि जब 1.5 रुपए का मोजा कायदे आजम के लिए कोई खरीद के ले आया तो उन्होंने वापस कर दिया कि गरीब मुल्क के सरबरा को जायज नहीं है कि 1.5 रुपए का मोजा पहने। जब 35-40 रुपए का फर्नीचर गवर्नर जनरल हाउस के लिए आया तो उसमें से देखा कि एक कुर्सी मोहतरमा फातिमा जिना के लिए है, तो उस कुर्सी के पैसे कहा कि फातिमा जिना की जेब से काटो। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को बाईपास करके कायदे आजम ने खुद अपने जहाज के अंदर एक टेबल फिट करवा ली कि मैं जब जाता हूं तो मैं सफर करता हूं तो मुझे लिखने में आसानी होगी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एतराज किया कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास करके एक टेबल लगवा ली है, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखना चाहिए था। तो कायदे आजम ने माजरत की, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इतना किरदार तो कम अज कम आज के सियासतदान दिखा देना, कम अज कम अगर खुल्फाए राशिदीन वाला नहीं दिखा सकते हैं तो ये तो 1948 है। अगर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हम वही कहते हैं कि इसको, क्योंकि कायदे आजम ने वो किरदार दिखाया जो खुल्फाए राशिदीन का किरदार है, इमानत और दयानत का वो मेयार सेट किया है कि जो आज के दौर के हुक्मरान, हमारे आज के हुक्मरान ख्वाबों में नहीं सोच सकते। लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि ये जिस खयानत में, जिस नापाक पलीती में और जिस हराम के माल में जिंदगी ये गुजारते हैं, वही बात कि जो मुर्दार खाने वाला गिद्ध हो ना, उसको शाहीन की परवाज का अंदाजा ही नहीं होता, उसको ये मालूम ही नहीं है कि हलाल रिस्क अपना शिकार करके खाया जाए अपने कुव्वत बाजू से तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारे गिदड़ों की तरह, वल्चर्स की तरह, गिदों की तरह हराम खाने वाले, मुर्दार खाने वाले, इनके वजूद हराम में पले हुए हैं। इसलिए अब इस कौम को हमें उन रोल मॉडल्स की तरफ लेके जाना है, यह बताने के लिए कि हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल ऑर्डर्स क्या थे, उस वक्त गवर्नेंस का किरदार क्या था, अहकाम जो सरकारी तौर पर दरबार खिलाफत से जारी होते थे वो क्या थे, गवर्नर्स को अपॉइंट करने का, यानी जो मुसलमान ब्यूरोक्रेट्स थे या मुसलमान रूलर्स थे उनको अपॉइंट जो किया जाता था उनकी क्वालिटी और कैरेक्टर क्या था, क्या वहां पर डेमोक्रेसी थी या डिक्टेटरशिप थी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सियासी जमातें होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, 4 साल बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। क्या खिलाफत राशिदा में यह था, क्या सियासी जमातें थी, क्या ऑपोजिशन और पॉलिटिकल ऑपोजिशन और हुकूमत एक तरफ हुआ, आपस में खुरेज झड़पें होती थी इनकी,
क्या चार चार साल बाद इलेक्शंस होते थे? मयार क्या थे? क्या वो कोई तीसरा मॉडल था? यकीन कीजिए कि हमें इस तरह अंधा कर दिया इन्होंने, ब्लाइंडर्स लगा के आंखों के आगे, कि हमें अपनी हकीकत, अपनी तारीख नजर ही नहीं आती, ये पता ही नहीं चलता है कि इस्लामिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जुडिशियल ऑर्डर्स हैं क्या। हमें हमेशा अंग्रेजों की तरफ दिखाया जाता है। जो आज निजाम दुनिया में कायम है ये सारा रोमन लॉ है। जो हमारी पार्लियामेंट है, ये सेनेट है, ये सेनेटर्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये इस्तलाही भी रोम से आई हैं। ये बेशरम लोग रोम की इस्तलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खिलाफत राशिदा की इस्लामी शरई इस्तलाहें इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म आती है। एतराज ये किया जाता है जो आजकल के एतराजात हैं कि जी आप हमें 1400 साल पहले वाले दौर में ले जा रहे हैं, आप पत्थर के दौर में ले जाना चाहते हैं। यही एतराजात किए जाते हैं। आज के 21वीं सदी में वो लॉज कैसे चलेंगे और वो निजाम कैसे कायम किया जाएगा? ये जदीद दौर है, जदीद दौर के तकाजे अलग होते हैं। बेशरम लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। जो निजाम उस वक्त कायम किया गया था उससे बेहतर निजाम कायनात में इंसानियत ने देखा नहीं कभी। इकबाल जिन लोगों के बारे में कहते हैं कि वो पुरसरार लोग थे, दुनिया में इनकी ठोकर से सहरा उतरिया थे, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई थे। वो लोग जिन्होंने ऐसी सिविलाइजेशन कायम की जो चीन से लेकर, नॉर्थ अफ्रीका से लेकर, यूरोप से लेकर यमन तक फैली हुई हो, उससे बड़ी सिविलाइजेशन तो ये हुक्मरान ख्वाबों में नहीं देख सकते, जहां कम अज कम उस जमाने के 20-25 करोड़ अफराद रहा करते थे जिस निजाम में। और खिलाफत राशिदा में एक राइट नहीं होता, एक जुलूस नहीं निकलता हुकूमत के खिलाफ, एक कत्ल, यानी लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह कि महीनों महीनों जजों के पास केसेस नहीं आते। इंसाफ का यह आलम है कि बाद में लोग जकात लेके फिरते, कोई जकात लेने वाला नहीं मिलता। अदल का यह आलम है कि यहूदी और ईसाई इतने अमन और पनाह में रहते हैं, जब हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने बैतुल मक़द्दस शरीफ फतह किया तो एक ईसाई को कत्ल नहीं किया। ईसाइयों ने खुद शर्त लगाई, कहा कि हमारी किताबों में लिखा था कि जो बरहक हुक्मरान आएंगे बैतुल मक़द्दस शरीफ को फतह करने के लिए, वो उस शान से आएंगे जिस शान से सैयदना उमर तशरीफ लाए, कि खुद पैदल हैं और उनका गुलाम ऊंट पे बैठा हुआ है और मदीने से सफर करके बैतुल मक़द्दस शरीफ तक जाते हैं अकेले अपने गुलाम के साथ, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी डिटेल नहीं, कोई ट्रैफिक बंद नहीं किया जाता उनके लिए। ये कौन से रोल मॉडल्स हैं जो सेट किए हैं उन लोगों ने, जिनके सदके आज मिला है हमको जो कुछ मिला है? ये नाउजुबिल्ला हमारे आज के हुक्मरान अपने आप उनसे बड़ा समझते हैं और ये समझते हैं कि नाउजुबिल्ला वो ऑब्सोलीट दौर था, पुराना दौर था, आज वो निजाम कायम नहीं किया जा सकता। वो किरदार देखिए, सिर्फ जमाने की टेक्नोलॉजी बदली है, इंसान की फितरत नहीं बदली। इंसान की फितरत वही है, आज भी सदाकत, दयानत, अदालत, शुजात। जब इकबाल कहते हैं सबक फिर फर सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तो हमको उस दौर की तरफ लौटना है जहां हमारे बड़े निगाह बुलंद भी थे, सुखन दिलनवाज भी थे, जहां पुरसोज भी थे। हमने उस दौर को देखना है कि जहां पे उन्होंने सदाकत का, शुजात का और अदालत का सबक पढ़ा हुआ था। हमने उस दौर को देखना है कि जिनकी दुनिया में, जिनकी ठोकर से सहरा और दरिया थे, जिनकी हैबत से सिमट कर पहाड़ जो है सिमट कर राई हो जाया करते थे, जो दश भी दश दरिया भी ना छोड़ते थे, जिन्होंने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े जिन्होंने, और जिनकी हां और ना में अल्लाह ताला अपने फैसले तब्दील करता था, जो खुदा उनसे पूछता था अपने बंदों से बताओ तेरी रजा क्या है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की थी। लोहे महफूज भी उनकी थी, कलम आला भी उनकी थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तो ये जहान उनके आगे ऐसा सरनिगुं कर दिया गया था कि वो मौजजात करते थे, यानी उनकी जिंदगियों में नॉर्मल थी ये बात कि ऐसे ऐसे हैरत अंगेज कारनामे हो रहे हैं, ऐसा ऐसा अदल है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने खत लिख के दरिया नील में डालते हैं, दरिया नील बिहेव करता है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास उस ईरान में उस दरिया को हुक्म देते हैं कि मुसलमान फौज दाखिल हो रही है, खबरदार मुसलमानों की कोई चीज जाया नहीं होनी चाहिए। वो कौन से लोग थे, वो कौन सा निजाम था, वो कौन सा माशरा था? और एक खलीफा की बात और, उसकी बरकत इतना नीचे तक पहुंचती है कि जब ईरान से गनीमत आती है तो सोने चांदी जौहरात और हीरे जौहरात के जो ढेर निकलते हैं, हजरत उमर हैरान होकर कहते हैं कि ये कौन सी फौज है जिसके सिपाही वो खजाने लाला के जमा करवा रहे हैं और कोई एक अशरफी भी अपने पास नहीं रखता, चोरी नहीं करता, खयानत नहीं करता। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि वो सिपाही जो ये खजाने लेकर आए, एक खास सिपाही जो बहुत बड़े खजाने लाया था, कहा उसको मेरे पास लाया जाए। तो वो सिपाही अपने मुंह पर रुमाल लपेट कर आया, कहता है सैयदना उमर से कि आप खलीफा हैं, आपने हुक्म दिया था आओ, तो मैं आपके पास आ गया, लेकिन यह हुक्म आपने नहीं दिया था कि अपना तारुफ कराओ, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैंने जो किया रब के लिए किया। ये कैरेक्टर आम सिपाही का था, खलीफा का जब ये किरदार होगा तो आम सिपाही का पूरे माशरे में फिर ये बरकत फैलेगी। वो माशरा फ्यूचरिस्टिक है, आला तरीन, जदीद तरीन माशरा है या स्टोन एज है, यह पत्थर के जमाने का माशरा है? ये आप बदबख्त जो कहते हैं कि हमें पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं आप शरीयत की बात करके, और वो खिलाफत राशिदा का निजाम आज नहीं कायम किया जा सकता, उसका अशरेशी भी कायम कर लो तो दो जहाने तुम्हारी कामयाब हो जाएंगी, उसका 1% भी यहां कायम हम कर ले तो हमारे नसीब चमक जाएंगे।
جس نظام میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں یہ کفر کا ناپاک ترین پلیت نظام جو قائم کیا ہے, اس کا پولیٹیکل سسٹم, اس کا جوڈیشل سسٹم, اس کا اکنامک سسٹم, اس کا میڈیا کا نظام, اس نظام میں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس دلدل میں ہم پھنسے رہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی تیسرا رستہ تمہارے پاس نہیں ہے. ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو. ہمارے پاس نہ ڈیموکریسی ہمیں چاہیے نہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے. ہم خلافت کی بات کرتے ہیں, ہم ایک اسلامک اکنامک ماڈل کی بات کرتے ہیں, ہم ایک اسلامک پولیٹیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں, ہم ایک اسلامک جوڈیشل ماڈل کی بات کرتے ہیں, ایک اسلامک عدالتی نظام جو پوری دنیا میں جس نے عدل کے وہ معیار قائم کیے تھے کہ مسلمانوں کا عدل مشہور تھا کائنات میں. یہ مقصد ہے اس پوری سیریز کو شروع کرنے کا. آج صرف اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیا, اگلے پروگرام میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد ہم براہ راست ایگزامپلز لے کے دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ میں وہ کون سا نظام بنا تھا جس نے آنے والی صدیوں میں وہ مسلمان تہذیبیں بنائی کہ اندلوسیا میں 800 سال, پھر عباسیوں کی خلافت, اور پھر مسلمان عثمانیوں کی خلافت, اور پوری دنیا میں جو مسلمان آج پوری دنیا کے پولیٹیکل اکنامک سسٹم جو قائم ہے, جو خیر ہے ان میں, جو اچھائی ہے, وہ سب کی سب لی گئی ہے خلافت راشدہ سے. یہ بات انشاءاللہ اب ہم آنے والے پروگراموں میں اپنی قوم ملک کے سامنے رکھیں گے کہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں صرف جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سوائے کفر کے نظام کے اور کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں ہے. انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنا مستقبل خلافت علی منہاج النبوہ کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کی نئی سیریز جو ہم نے خلافت راشدہ کے حوالے سے شروع کی, آج اس کی پہلے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. زید صاحب نے ایک اوور آل بیک گراؤنڈ دیا کہ ہمارا اس سیریز کو شروع کرنے کا کیا مقصد ہے, اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. آئندہ آنے والی سیریز کا بھی زید صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ ہم اس کے اس حوالے سے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, تو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. program was